Hi guys, this is me, your favorite AK Arn, and you're watching Akshay Kumar YouTube channel. और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमने कुछ प्लान किया है अद्विक के लिए. तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसके लिए अलमीरा लेने, क्योंकि वो छोटा है ना तो उसके बहुत सारे सामान पहला जाता है. तो अब हम एक अलमीरा लेके आएंगे जिसके अंदर उसका सारा सामान स्टोर कर देंगे. कुछ भी चाहिए होगा तो सीधा अलमीरा खोलो, सामान निकालो और फिर जब उसका काम हो जाए तो वापस रख दो. तो उससे उसका सामान सेफ भी रहेगा और इकट्ठा भी रहेगा. तो अभी हम उसके लिए अलमीरा सेलेक्ट करने जा रहे हैं. अभी शाम हो गई है, दिन प्लान दिन का था बट टाइम नहीं मिलवाया था. तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकलते हैं, शॉप पर पहुँचते हैं, उसके लिए अलमीरा पसंद करता है, फटाक से घर पर लेकर आते हैं. तो यार अभी बाइक के अंदर पेट्रोल कम है तो हम आज स्कूटी लेंगे, बट स्कूटी थोड़ी साफ़ करनी पड़ेगी उससे पहले. तो पहले स्कूटी साफ़ करते हैं. तो गाइस ये हमारे घर के पास की मार्केट है, फर्नीचर मार्केट. हमारा बहुत सारा फर्नीचर यहीं से आता है. और मेरे साथ आई है मुस्कान और लालू. हम लोगों को अधिक के लिए अलमारी लेनी है. वैसे तो मेरी अकेले की चॉइस बहुत सही है, बट स्टिल मैंने सोचा कि इनकी भी एक्सपर्ट एडवाइस ले ली जाए. बट ठीक है, हमें बहुत अच्छी सी अलमारी सेलेक्ट करनी है उसके लिए. ठीक है लालू. तो अभी हम एक शॉप के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं. भाई देख लेना अच्छा, तो जो भी मिले तो ऑप्शन तो अच्छे हैं. मेरे को तो थोड़ा समझ में आया, बट हमें थोड़ा छोटे में चाहिए स्पेस के अकॉर्डिंगली. यार इस पर्टिकुलर शॉप में तो हमें नहीं समझ में आया. तुम्हें कुछ समझ में आया था? नहीं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया. तो हम दूसरी शॉप में चलते हैं कहीं. नोनू, जहां तक मुझे लगता है साइज तो अपना इतना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत बड़ी है. साइज हमारा इतना होना चाहिए, बट थोड़ा लड़क, इसमें कोई लड़के वाला कार्टून नहीं है, छोटा भीम वगैरह ऐसे कुछ? बोलेगा तो मंगवा देंगे. यार आपने इतना उससे बोला ना भैया, नहीं हमने दिल ही तोड़ दिया यार. कोई बता दो यार अच्छा ऑप्शन. वो बगल वाले बोला ना छोटा मेरा चाहिए. हाँ लड़की देखे ना यार, हमने काफी ढूंढने की कोशिश करी बट हमें कोई भी अच्छी अलमीरा या कबर्ड या कुछ भी उसके जैसा कुछ अच्छा मिला नहीं. तो हम इस मार्केट को छोड़ के दूसरी मार्केट में जाते हैं. बट उससे पहले हम लोग स्कूटी में तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि स्कूटी में अंदर पेट्रोल भी खत्म होने वाला है. बहुत टाइम से स्कूटी चलाई नहीं थी, अभी स्टार्टिंग में तो चली नहीं थी, पॉपट हो गया था, मुझे लगा बंद हो गई. चली नहीं रही, मैं करो जा रहा हूँ, पर स्टार्ट ही नहीं. बट फाइनली चलो देखते हैं, अभी पर स्टार्ट हो गई है. जाते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, फिर एक दूसरी मार्केट चलते हैं, वहाँ से खरीदते हैं. पर आज खरीदेंगे ज़रूर. साइज और देख लेते हैं ना, साइज से फिर समझ में आ जाएगा. हाँ नहीं नहीं नहीं, हिला मत, ऊपर मंदिर रखा हुआ है, पता लगे मंदिर तेरे सर पे आ जाए. इतना साइज सही है तेरे हिसाब से? ना ना मत कर अपनी से देखना. नोनू चौड़ी है यार, बहुत चौड़ी है वो. मुझे ये वाला तो समझ में आ रहा है, बट हाँ बट ये अच्छा है ना. लालू तेरे को कौन सी पसंद आई? अभी और तो दिखा. हाँ चल एक दो और ऑप्शन देख लेते हैं. देखो गाइस कुछ ऑप्शन तो यहाँ पे हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, बाकी कुछ और यहाँ पे भी दिखाता हूँ. ये डोरेमोन का, ये बहुत अच्छा है, छोटा भी वाला भी अच्छा है, बट सेम वही प्रॉब्लम है ना साइज का. कोई पसंद आई क्या लालू को? ये बहुत सही है, ये भी अच्छा है वैसे. ये कुछ ऐसे वाली तो नहीं है? ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वैसा वाला है, पेस्टिंग वाला काम है. ये पेंट है. हमने पूरी मार्केट देखी बट अभी कुछ मिला नहीं. एक और शॉप पे आए हैं, वो भी देख लेते हैं. अब मैंने मुस्कान और लालू को तो घर छोड़ दिया बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया था, मुस्कान को घर का थोड़ा काम था. अब मैं जा रहा हूँ नूर के पास, नूर से मिलता हूँ और फिर लेता हूँ. तो फाइनली हम दुकान के बाहर आ चुके हैं. दो चीज़ हमें लेनी थी, हमने वो सेलेक्ट कर लिया है. अभी मेरे साथ नूर है, स्कूटी रेडी है. तो अभी बस हमें जाना है, इसको घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ. बिल्कुल पसंद आई ना? बहुत सही, सही थी ना? बहुत सही. और हमें सही साइज़ की मिल गई और सही प्राइस में मिल जाएगा. थोड़ा सा ऊपर ही था वैसे, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ऊपर था. देखो थोड़ा बहुत ऊपर ही चलता है, जो चीज पसंद आ गई ना वो ले ही लो, फिर क्या सोचना. अब जब पसंद आ गई तो ले लो, है ना. तभी नूर के घर छोड़ता हूं, फिर हम ब्लॉग करेंगे बाद में. नूर को कर दिया हमने ड्रॉप. नूर बाय, ध्यान रखियो अपना, टेक केयर गाइस. ठीक है, और फिर कल का देखते हैं, आ जाएगी अपने पास अलमीरा, फिर देखते हैं. ठीक है चलो बाय. तो फाइनली मैं घर के अंदर आ चुका हूं, स्कूटी मैंने कर दी है पार्क, नूर को मैंने कर दिया ड्रॉप, नूर ऊपर पहुंच चुकी है. अब बस हमें कल का वेट करना है, कल जैसे गिफ्ट आ जाएगा रिवील करेंगे, सबका रिएक्शन देखेंगे. और सबसे मेन तो यार दीदी और अद्विक का रिएक्शन देखना. सर अद्विक तो क्या ही रिएक्शन देगा, बस हंसेगा या रोएगा, बट हाँ दीदी का रिएक्शन देखते हैं. बाकी फिर कल शुरू करते हैं. अभी ऊपर चलते हैं, डिनर करते हैं. आप बहुत भूख लग रही है, पता कि बाहर चले गए थे, कुछ खा भी नहीं पाए, तो इतना घूमा. चलो अभी देखते हैं खाना खाते हैं, फिर कल देखते हैं क्या आता है. गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे टू, मतलब आज आना है अद्विक का गिफ्ट. तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ के टाइम से नहा भागे के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूँ. बस अभी शॉप पे जाना है 10 मिनट के अंदर. मैंने अभी फ़ोन पे बात करी थी तो उसको अभी रेडी करवा रहे हैं. तो बस मुझे जाना है, पिक करवा के घर लेके आना है और फिर देखना है इनका रिएक्शन. बट अभी दीदी और बाबू और
मम्मा तीनों ही रूम में लॉक हैं और मतलब उनका थोड़ा सा काम वाम जो चल रहा है तो उस चक्कर में भी वो लोग बाहर आ नहीं सकते, बट जब तक आएगा गिफ्ट तब तक आई होप उनका काम भी कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर उनका रिएक्शन देखेंगे। और वैसे उन्हें उनके रूम में ही शिफ्ट करना है वो, तो उनके सामने होगा जो होगा। अब तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं आ चुका हूँ शॉप पे और हमारी जो अलमीरा है वो रेडी हो चुकी है। एक दो छोटे मोटी उसके अंदर टचिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, अब बस हम उसको रैप करवा लेते हैं और फिर लोड कर लेते हैं फिर घर की तरफ चलते हैं। पर बीच में क्या हुआ था, अभी मैं बीच में ATM भी होके आया था। अभी ना मेरे पास ना सिर्फ एक ही फ़ोन है तो मैं उसी से व्लॉग बनाता हूँ, मतलब मैं उसी से सारी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, तो बीच में ऐसे ट्रैवलिंग या छोटी मोटी अगर कोई चीज़ होती है तो वो मिस हो जाती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड नोट करना कि अभी घर पर तो अभी यहाँ पर आ गया बीच का कहाँ गया। तो यार एक्चुअली मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं उसी से ही व्लॉग करता हूँ, बट इंशाल्लाह अगर सबका प्यार मिलेगा सबको सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ें भी बना लूँगा, जैसे GoPro हो गया गोरिल्ला पॉड हो गया समथिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी अच्छे व्लॉग के लिए मैं वो सब कुछ करूँगा। बट अभी इनिशियली थोड़ा सा ये चीज़ है कि मैं एक ही फ़ोन से व्लॉग बनाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि यार बीच का काम मिस हो गया, बंदा अटेंशन नहीं पे कर रहा या फिर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, बट ऐसा कुछ नहीं यार। अब ऑब्वियसली राइड करते हुए फ़ोन से व्लॉग करते हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा फ़ोन बाय मिस्टेकली भी थोड़ा सा हार्म हो जाए, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा था फ़ोन लेने के लिए, तो मैंने फ़ोन ले लिया है थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। अगर आप सबका प्यार सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं बाकी सब चीज़ें बाकी सारे गैजेट्स भी लेना शुरू कर दूंगा। तो और तब तक के लिए हमें ये देखना है कि हमारी अलमीरा रेडी हो जाए लोड हो जाए फिर हम घर चलते हैं, फिर घर के वालों का रिएक्शन देखते हैं इसके ऊपर। अब पवन भैया ने इतनी मेहनत करके हमारी पूरी अलमारी रैप कर दी है, थैंक यू पवन भैया। अब जल्दी से लोड करवा दो घर पहुंचा दो। हाँ बिल्कुल। और किसी को भी फर्नीचर लेना हो सिर्फ भैया की दुकान पर आना, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्राइस। अलमारी हमने लोड कर ली है, पेमेंट मैंने अंदर कर दी है, अब जा रहे हैं भैया के साथ घर की तरफ। घर तो पहुँच गए हैं, बस हमें अंदर लेके जानी है, अलमारी भी रेडी है। चिड़ू तुम देखी? हाँ, चल जब अभी अंदर चलेंगे ना जब खोलेंगे तब देखेंगे कैसा सरप्राइज आता है। तू वीडियो बना ली बस, ठीक है? तो अब तू इसके आगे ना तू ब्लॉग कंटिन्यू कर लियो। फाइनली अलमीरा अंदर सेट हो गई है और अभी हम इसको करेंगे अनबॉक्स। कौन करेगा? मम्मी आप करोगे? दीदी करेगी। ठीक है तो अभी देखते हैं, और आदमी गोरा मम्मी की गोदी में, तो अभी पहले इनका गिफ्ट देखते हैं फिर इनका रिएक्शन देखते हैं। डोरेमोन, देखो भाई डोरेमोन, देख लो आपकी अलमारी भी आ गई, लॉक है, चाबी है, ये नीचे वाली, देखो बाबू आपकी अलमारी आ गई। उन्होंने पूरा हटा दे, पेपर वेपर सारा हटा दे, इकट्ठा कर ले, पर स्पेस भी है इसमें ना, दीदी के भी आ सकते हैं, मैंने थोड़ा इस हिसाब से लिया है, साइज भी सही है। देखो इसमें ना रॉड भी है तो दीदी के कपड़े भी लग सकते हैं, अद्विक के भी आ सकते हैं, छोटा सा इसका लॉकर भी है, कोई इसका वो कुछ भी रखने का सामान, और नीचे इसके जूतों के लिए भी है, ये भी रुक जा मैं खोल देता हूँ, इसके जूतों के लिए भी है, छोटा मोटा सारा सामान आ जाएगा। अद्विक देखो मामा गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। कैसा लगा दीदी गिफ्ट, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अभी ज्यादा रहेगा, इसके अंदर रख देना, इसको पैक कर देना। अभी कैसा लगा गिफ्ट, अभी कैसा लगा? रिएक्शन दे दे एक बारी वीडियो के लिए, एक रिएक्शन दे दे, एक तो रिएक्शन दे दे वीडियो के लिए। इधर बना दे, हाँ ऊपर की तरफ, हाँ इधर ही बना दे। कोई भी नई चीज आती है तो हम लोग ऐसे ही उसको टिक्का करते हैं तो शुभ हो जाती है ना मम्मी।
फाइनल गिफ्ट आ चुका है, रिएक्शन आपने देख लिया है, दीदी अद्वैत मम्मा सब खुश हो गए हैं। तो आप वीडियो कर दो लाइक और पसंद आया तो कर दो शेयर, और नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब बोल दे सब्सक्राइब कर दो एक बारी।